तो है गाइस, अगर आप लोग का भी YouTube चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया है, आप लोग रीअप्लाई करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप लोग सोचते हो भाई कि मेरा YouTube चैनल पे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप लोग रीअप्लाई एक बार कर देते हो लेकिन फिर से अगर आपका रिजेक्ट कर देता तो हो सकता है आपको 90 दिन तक या फिर हो सकता है आपको 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल फिर से रीअप्लाई करने के लिए यानी कि फिर से मोनेटाइज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे कैसे हम लोग को रीअप्लाई करना है, कब करना है, नहीं करना है, वो सारा प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि मेरा भी YouTube चैनल पे आस्ट्रेक आया हुआ था, मेरा भी YouTube चैनल पे यहाँ पे रिव्यूज कंटेंट आ गया था, जिसके कारण से मेरा चैनल जो मोनेटाइजेशन मतलब यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था, इनकी रिव्यूज कंटेंट आने के बाद आपको पता ही होगा तो मोनेटाइजेशन यहाँ पे बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज कंटेंट मेरा चैनल पे आ गया था, यहाँ पे रीअप्लाई करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया था, क्योंकि मेरा मतलब दिया था यहाँ पे 14 तारीख दिया था, मतलब 14 तारीख को मेरे को दिया था रीअप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीअप्लाई कर दिया रात को ही, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यहाँ पे रीअप्लाई मैंने कर दिया। रीअप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे वेट करना है, वेट कर क्या करना है कि आपका चैनल जो रहेगा वो अंदर रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यू हैव री अप्लाइड, मतलब करके यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपका यूट्यूब चैनल जो अंदर रिव्यू में चला जाता है। अंदर रिव्यू मतलब क्या होता है कि आपका यूट्यूब चैनल को यूट्यूब जो है फिर से चेक करेगा, चेक करने बाद अगर आपका यूट्यूब चैनल सही निकलता है तो आपका यूट्यूब चैनल जो होता है मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब अप्लाई कर देता है, मोनेटाइजेशन आपका एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपका यूट्यूब चैनल पर जो मतलब की प्रॉब्लम क्यों आया था, सबसे पहले आपको जो चैनल पर प्रॉब्लम आया था रीयूज कॉन्टेंट से रिलेटेड में। ठीक है, तो चैनल पे प्रॉब्लम आया था, तो सबसे पहले आपको चेक करना अपने चैनल पे जाके YTS स्टूडियो पे चेक करना है कि मैंने जो भी वीडियो किसी बंदे का वीडियो मैंने यूज किया था, किसी बंदे का मतलब मैजिक यूज किया था, किसी बंदे का सॉन्ग यूज किया था किसी चैनल से लेके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है उस वीडियो को आपको देखना है कि कौन सा वीडियो मैंने डाला था जिसके कारण से रीयूज कॉन्टेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे अपने कॉन्टेंट पे आ जाना है, कॉन्टेंट पे आने के बाद आपका जो भी सारा रीयूज कॉन्टेंट वाला वीडियो रहेगा उस सारा वीडियो आपको डिलीट कर देना है। वीडियो डिलीट करने के बाद आपको मैजिक रहेगा तो मैजिक डिलीट करना है, सॉन्ग रहेगा तो सॉन्ग डिलीट करना है, जो भी आप रीयूज कॉन्टेंट का वीडियो लिया आपको वो डिलीट कर देना है। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, डिलीट जैसे ही कर लोगे ना तो उसके बाद आपको चैनल पे यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपको ये मतलब रीयूज कंटेंट मतलब जो आपका वीडियो रहेगा वो वीडियो तो सबसे पहले आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो डिलीट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि आपका टाइमिंग कब दिया है रीअप्लाई करने वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ 14 तारीख का दिया था, मतलब यहाँ पे 14 तारीख मेरे को दिया था रीअप्लाई करने के लिए यहाँ पे मई का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल रात को मैंने रीअप्लाई के लिए ऑप्शन मतलब कि आया था तो मैंने रीअप्लाई कर दिया। रीअप्लाई करने के बाद मेरे चैनल पे यहाँ पे देखोगे कि इस तरह कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, यहाँ पे मतलब कि बोला कुछ वेट कीजिए आपका चैनल को अंदर रिव्यू में मतलब भेज दिया है, आपका यूट्यूब चैनल को चेक करेगा, चेक होने के बाद आपका चैनल जो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा चैनल था, यहाँ पे रिव्यूज कॉन्टेंट आ गया था, इसको मैंने मोनेटाइजेशन के लिए फिर से मतलब रीअप्लाई कर दिया। रीअप्लाई करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है फिर नहीं आता है, क्योंकि रीअप्लाई करने के बाद मेरा चैनल जो अंदर रिव्यू में चला जाता है तो अंदर रिव्यू में 2-3, 4-5 दिन रहता है, उसका जो आपका चैनल को जो प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि रीअप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे रीअप्लाई मैंने कर दिया था, यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप लोग रीअप्लाई कर सकते हो। रीअप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी सारा रीयूज कंटेंट वाला वीडियो है वो वीडियो डिलीट करना है, मैजिक डिलीट कर देना, सारा कुछ आपको चेक कर लेना, चेक करने के बाद आपका जो चैनल है वो रीअप्लाई के लिए अप्लाई कर देना, आपका यूट्यूब चैनल जो 100% मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि जो भी सारा रीयूज कंटेंट वाला वीडियो रहेगा वो वीडियो सबसे पहले आपको डिलीट करना, नहीं अगर डिलीट करोगे तो फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाएगा और आपको 90 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, 90 दिन के बाद ही जो यहाँ पे फिर से रीअप्लाई कर सकते हो, क्योंकि YouTube पॉलिसी न्यू यहाँ पे आया हुआ है कि अगर आपका YouTube चैनल रीअप्लाई करने के लिए अगर एक बार आप लोग अप्लाई कर दे तो फिर से अगर आपका YouTube चैनल रिजेक्ट हो जाता है, फिर से आपका रीयूज कॉन्टेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन आप जो है 90 दिन के बाद जो है आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हो। पहले क्या था कि अगर आपका रीअप्लाई करने के बाद अगर फिर से उस प्रॉब्लम आता था तो आप 1 महीने के अंदर जो था वो मतलब फिर से रीअप्लाई हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे फिर से एक अपडेट आया हुआ है YouTube मोनेटाइजेशन से रिलेटेड में कि अगर आपका YouTube चैनल रीयूज कॉन्टेंट आ जाता है, अगर एक बार अप्लाई कर दिया फिर से अगर आपका रीयूज कंटेंट आ जाता है तो आपको 90 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, रीअप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।